हेलो प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग विंटर रिलेटेड रेसिपीज शेयर करूंगी आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी मैंने पास्ट में भी बहुत सारी बेबी फूड रिलेटेड रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं अगर आपको वो सारी वीडियोज देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च बार में टाइप करिएगा रियल होम मेकिंग बेबी फूड रेसिपीज आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी और मुझे आप लोगों का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला इन वीडियोस पे थैंक यू सो मच आप लोगों के ईज के लिए मैंने इन सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड करके उस प्ले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है अगर आप उस लिंक से क्लिक करके जाएंगे ना मेरे चैनल पर तो आपको सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत हेल्पफुल लगेगी सिंस Since... ये विंटर रिलेटेड रेसिपीज हैं तो आज की फर्स्ट रेसिपी है सूप की जिसके लिए हमने चार टमाटर लिए हैं एक गाजर है एक स्वीट पटेटो है और चार क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए हैं मैं ये जो सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ना ये खाली बच्चों के लिए नहीं आप अपनी पूरी फैमिली के लिए कुक कर सकते हैं बिकॉज बींग अ मॉम बच्चों के लिए अलग खाना बनाना समटाइम्स बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है तो एग्जैक्ट क्वान्टिटीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा और यूएस में ना स्वीट पटेटो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का ही होता है तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पील करके इस तरीके से स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया है बहुत ज्यादा बारीक बार कर नहीं करना थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस आपको कट करने हैं कैरेट के स्वीट पटेटो के और टमेटो के और गार्लिक को बस इस तरीके से थोड़ा सा दबा लिया है हम ना ये वाला सूप बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे जिसमें आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनेगा तो यहाँ पे मैंने सब चीजों को कट करके रख लिया है अवन को मैं रेडी करती हूँ थ्री फिफ्टी डिग्री फेरानाइट पे मैंने प्री करने के लिए रख दिया है अवन को। यहाँ पे मैंने दो बेकिंग ट्रेस ली हैं, जिसमें एक में मैं डालूंगी स्वीट पटेटो एंड कैरेट के स्लाइसेस, बिकॉज स्वीट पटेटो एंड कैरेट थोड़ा सा कुक होने में ज्यादा टाइम लेंगी इसीलिए इनको मैंने एक अलग प्लेट में रखा है और टोमेटो एंड गार्लिक को मैं एक साथ एक ट्रे में रखूंगी स्वीट पटेटो एंड कैरेट को कुक होने में करीबन 22 से 25 मिनट लगेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और टमेटो एंड गार्लिक अराउंड 15 मिनट्स में कुक हो जाएगी तो ये मैंने अलग अलग ट्रेज में इस तरीके से स्प्रेड आउट कर लिए हैं एंड ग्रीसिंग के लिए मैं घी ले रही हूँ तो घी को थोड़ा सा आप अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा दोनों ही चीज़ों पर जिससे कि ये अच्छे से अवन में बेक हो जाएँ अदरवाइज़ ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है अगर आप कोई भी ग्रीसिंग इसके ऊपर ना करो तो बस मैंने घी से हल्का सा ब्रश कर दिया है और अवन भी हमारा रेडी है अवन में हम इसे रख छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए जैसा कि मैंने बोला टमाटर की जो ट्रे है वो मैं फिफ्टी मिनट्स में निकाल लूंगी और कैरेट एंड स्वीट पटेटो की ट्रे को मैं बाइस से पच्चीस आप स्लाइसेस थोड़े से मोटे ही रखिएगा क्योंकि ये जब बेक होता है ना तो बहुत अच्छे से बेक होता है अगर स्लाइसेस थोड़े मोटे रहे जो पतले वाले स्लाइसेस होंगे वो तो थोड़े जल भी जा सकते हैं तो बस यहाँ पे सब चीजें कुक हो चुकी हैं और अब इसे मैं ब्लेंडर में डाल के इसकी अच्छे से

जो दक्षिणी मिर्च होती है ना उसका पाउडर है मैं वो ऐड करने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है कंपेयर टू ब्लैक पेपर तो आप बच्चों के लिए जब भी सूप बनाए ना तो व्हाइट पेपर से बनाइएगा थोड़ा सा नमक ऐड किया है और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर का सूप बन के रेडी हुआ है इसको बस मैं गरम गरम अपने बेबी को सर्व करूंगी अराउंड हाफ बोल में दूंगी ये आप एज अ स्नैक रेसिपी या फिर डिनर रेसिपी अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों को कोल्ड कफ जब होता है ना तो वो कुछ खाना पसंद नहीं करते सूप बहुत पसंद आता है और इसमें आपको कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने स्वीट पोटेटो ऐड किया है जो एक इनहेरेंटली इसमें स्वीटनेस लाएगा और टमाटर की जो टैंगीनेस होती है उसको थोड़ा सा कम करेगा और ये ओवरऑल सूप बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है आप जरूर अपने बच्चों के लिए ट्राई करिएगा तो यहाँ पे देखिए मेरा बेबी बुक पढ़ते पढ़ते अपना सूप इंजॉय कर रहा है तो मैंने उसको हाफ बोल के करीब दिया था उसने पूरा सूप अपना फिनिश किया नाउ मूविंग ऑन टू आर सेकेंड रेसिपी जो अगेन एक स्वीट पटेटो से हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने दो स्वीट पटेटो लिए हैं जिसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसके एंड्स को कट कर दिया है इसको हाफ में मैं डिवाइड कर लूंगी और कुकर में मैं पानी में इसको बॉयल करूंगी जैसे हम आलू बॉयल करते हैं ना दो विसल्स में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और बॉयल होने के बाद मैंने इन्हें पील कर लिया जैसे हम आलू को पील कर लेते हैं ये स्वीट पटेटो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है आप किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में अपने बच्चों के डाइट में जरूर इंक्लूड कर लिए करिए स्पेशली ये विंटर की वेजी है तो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती है फाइबर रिच होती है तो मैंने अच्छे से मैश कर लिया था स्वीट पटेटो को इसके अंदर मैंने धनिया ऐड किया बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके और कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर रही करी जैसे गरम मसाला थोड़ा सा चाट मसाला नमक रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और थोड़ी सी अजवाइन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर बीट फ्लावर ऐड करूँगी जितना भी हमारा स्वीट पटेटो है उसके अकॉर्डिंग और इसको ना बिना पानी के मैं आटा लगाने की कोशिश करूँगी आप इतना ही आटा ऐड करिएगा कि बिना पानी ही आपका ये जो डो है वो बने

बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करिए आप उसको ट्राई करने दीजिए अपने हाथ से बहुत बार बच्चे गिराएंगे भी बहुत बार नहीं भी खाएंगे ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आप आप बनाएंगे वो डेफिनेटली फिनिश कर लेंगे बट आप खाने दीजिए जितना भी वो खाए चाहे वो गिराएं एंड जब बच्चों को इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आती है ना तब वो थोड़ा सा फूड को ज्यादा एंजॉय करते हैं पहले वो खेलते हैं फिर धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसने करीबन आधा पराठा अपना लंच में फिनिश किया थर्ड रेसिपी ये एक स्नैक रेसिपी है जिसके लिए मैंने वॉक में थोड़ा घी लिया है और ये है फॉक्सनेट हमारे मखाने मखाने भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं बिल्कुल हाई इन प्रोटीन एंड फाइबरस होते हैं तो ये मैं घी में डाल के थोड़ा सा भून लूंगी इनको और मसालों में थोड़ा सा आ, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और जैसे ही आप इसको घी में भूनेंगे ना तो आप देखेंगे जैसे घी की कोटिंग होती है ना वैसे ही मसाले भी अच्छे से मखानों पे कोट हो जाते हैं बहुत ही हेल्दी रहते हैं बहुत ही क्विक बन जाते हैं पांच से सात मिनट में ही मीडियम फ्लेम पे आप इसे सौते करेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी से हो जाते हैं आप इसे जब आपको लगे कि अच्छे से सीख चुके हैं तो एक बार तोड़ के देखेगा एकदम ये एकदम से टूट जाना चाहिए तो क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे बस इसे आप बोल में सर्व करिए अपने बच्चे को शाम को जब आप दूध वगैरह देते हैं तो एज अ स्नैक अपने बच्चे को दे सकते हैं ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा स्नैकर होता है आप अपने डायपर बैग में इसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी जहां पे भी आप जैसे जाए कार में बच्चे बैठ के खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक होता है एंड जैसा कि मैंने बोला बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए बच्चों को खुद से खाने दीजिए जब वो खुद से उठा के अपना फूड इन्जॉय करते हैं ना तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस रहती है उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चे खाना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं और इंजॉय करते हैं अभी जैसे विंटर्स चल रही है बच्चों को बहुत ही ईजिली कोल्ड कफ हो जाता है उसके लिए आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करती हूँ गोल्डन मिल्क की बट उससे पहले मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कौन सा दूध यूज करती हूँ तो मैं ये ए टू ऑर्गेनिक होल मिल्क यूज करती हूँ ये कर्कलैंड का है हम लोग कॉस्को से लाते हैं कहा जाता है ए टू मिल्क इजियर होता है डाइजेस्ट करने में कंपेयर टू रेगुलर एवन मिल्क और जो आ, ये प्योर काउ मिल्क तो है ही है जैसे जिन बच्चों को लैक्टोज इनटॉलरेंस होती है जिनको डेयरी डा, डा, प्रोडक्ट से गैस ब्लोटिंग या डायरिया की प्रॉब्लम रहती है ना उसमें ए टू मिल्क काफी हेल्प करता है तो मैं ऑलमोस्ट नाइन टेन मंथ से अपने बच्चों के लिए यही वाला दूध यूज कर रही हूं एंड आई एम हाईली सैटिस्फाइड तो चलिए अब गोल्डन मिल्क की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरे पास ये कच्ची हल्दी का पैकेट है फ्रोजन वाड़ी लाल का है कच्ची हल्दी वैसे इंडियन स्टोर पे मिल भी जाती है बट इफ इन केस अगर आपका इंडियन स्टोर पे रेगुलरली चक्कर नहीं लगता है तो आप इस टाइप का ना फ्रोजन पैकेट ला अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं ईजी रहता है इस टाइप के स्लाइसिस इसके अंदर रहते हैं जब दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तब आप हल्दी के कुछ स्लाइसेस दूध के अंदर डाल दीजिए और चलाते रहिएगा देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है दूध का एकदम येलोइश ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी बेनिफिशियल दूध रहता है बच्चों के लिए और जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तब इसके अंदर मैं गुड़ ऐड करूंगी गुड़ भी बच्चों को ना अंदर से गर्मी प्रोवाइड करता है तो ये गुड़ का पाउडर है मैं इंडियन स्टोर से ही लेकर आती हूँ जब दूध बॉयल हो जाता है ना तब ऐड करती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग अदरवाइज कई बार ना दूध फट जाता है गुड़ ऐड करने से और बस अब इसे हम स्ट्रेन करके बच्चों को सर्व करेंगे बच्चों को ही नहीं ये आप खुद भी लीजिएगा विंटर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है एक गुड नाइट स्लीप के लिए भी और हेल्दी भी रहता है और साथ में अगर आप इसके च्यवन प्राश देते हैं अपने बच्चों को या खुद भी लेते हैं तो बहुत हेल्दी रहता है तो ये देखिए डाबर का चवन प्राश है हमने बचपन से यही वाला च्यवन प्राश खाया है ना तो इसका टेस्ट काइंड ऑफ मुंह पे अच्छा चढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा अराउंड हाफ टी स्पून अपने दोनों बच्चों को देती हूँ फर्स्ट बाइट च्यवनप्राश की देके फिर धीरे धीरे करके इनको दूध पिलाती हूँ और अब केशु बॉटल फीड ऑलमोस्ट छोड़ चुका है तो इस टाइप का सिपी कप है मेरे पास जिसके थ्रू मैं उसको दूध पिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा ठंडा कर करके उसको दूध पिलाऊंगी क्योंकि एकदम गरम गरम खोलता हुआ दूध है तो अच्छा लगता है ये दूध पीने में एंड हेल्दी भी रहता है आई होप आपको आज की सारी रेसिपीज पसंद आई होंगी और हाँ आपने आज इस वीडियो में केशु को खाते पीते हुए साथ में बुक पढ़ते हुए देखा है क्योंकि अब केशु को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है बुक्स का तो उसको खाने के टाइम पे बुक चाहिए ही होती है तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई बुरी बात भी नहीं है और अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अब उसको मैं वीन ऑफ कर रही हूँ कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड से तो कुछ हद तक मुझे सक्सेस मिली है काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोगों की मुझे रिसीव भी हुई है एक बार मैं इसमें पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाऊँ तब आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कोई भी बच्चा मैनुअल के साथ नहीं आता है सारे बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं बट हाँ धीरे धीरे पेशेंट्स के साथ जब आप बच्चों के साथ नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं Uh, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी हेल्पफुल लगी होगी अगर इस वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बिकॉज आपके हर शेयर से हर लाइक से हर कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलती है एंड आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो में तब तक, तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो हैप्पी पेरेंटिंग लव यू बाय